हरे कृष्णा 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 हरे हरे। आप सभी को जन्माष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस यही दुआ है आप सब के लिए कि आपका जीवन स्वस्थ पूर्ण हो और समृद्धि पूर्ण हो पूरी तरीके से। स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। अगर आप भी बिहार में दरोगा बनना चाहते हो, सबसे पहले इस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें। हम ये बार बार आपसे रिक्वेस्ट भी करते हैं क्योंकि आप लोगों के प्यार के वजह से ये चैनल चल रहा है। इसीलिए हम कभी ऐड नहीं लगाते ताकि हमारे और आपके बीच में किसी भी तरीके का डिस्टरबेंस हो और आप पूरी फोकस से स्टडी कर पाए। तो चैनल पे नए हो जरूर सब्सक्राइब कर ले। स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने हमेशा लाउडली चिल्ला चिल्ला के आपके सामने ये कहा है कि जो एक सब्जेक्ट है, कह सकते हो दो सब्जेक्ट है बेसिकली, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है अगर आप मेरिट बनाना चाहते हो। सिलेक्शन का मतलब होता है, एग्जाम देने का मतलब होता है कि वो दो सितारा आपके कंधे पे सजे, उसको बोला जाता है सिलेक्शन, उसको बोला जाता है मेरिट बनाना। ठीक है, उससे पहले मैं मान के चल रहा हूं आप सब लोग वेल प्रिपेयर्ड हो क्योंकि बहुत आपको टाइम मिल चुका है पढ़ने के लिए। क्विकली आपको मैं 30 सेकंड देता हूं इस क्वेश्चंस को करना है। मैं टाइमर लगा देता हूं, उसके बाद मैं इस 5 मिनट में लूंगा, इस वीडियो को मैं खत्म करूंगा। बट सबसे पहले ये 2213 का, ठीक है, मेंस का क्वेश्चन है। अब जल्दी से मैं टाइमर लगा देता हूं। आप देखिए, चीटिंग मत कीजिएगा क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि आप लोग वेल प्रिपेयर्ड हो। ठीक है, ये प्री में भी क्वेश्चन आया हुआ है और मेंस में तो आया ही हुआ है। 2213 का आप देखोगे मेंस का पेपर है। अब जल्दी से, ठीक है, इसका आप मुझे आंसर दोगे। 30 सेकंड में आपके लिए स्टार्ट करता हूं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन आपके सामने है, जल्दी से पढ़ लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे कम है, ठीक है, मतलब सबसे छोटा कौन सा है? 711, 3/4, 5/7 और 4/5। अगर आप मुझसे पढ़े हुए हो तो आप ये विद इन ए सेकेंड कर लोगे। मैं बोलूंगा नहीं कुछ, आप जल्दी से आप इसका आंसर बताइए। ठीक है, 5 सेकंड में ज्यादा दे देता हूं आपको। ठीक है, तो ऑलमोस्ट टाइम अप हो गया। जितने लोगों का आंसर आया नीचे आप कमेंट करोगे। अब ये जो था 2213 का आपका क्वेश्चन था, अगर आपने 30 से 35 सेकंड में आपने बना लिया, मतलब आप वेल प्रिपेयर्ड हो, ठीक है, और आप मेंस देने के लिए भी तैयार हो क्योंकि आप प्री तो निकाल ही लोगे। क्योंकि अगर आप डेडिकेटली पढ़ रहे हो, ठीक है, तो काफी ह्यूज अमाउंट में प्री का रिजल्ट दिया जाता है, तो आप प्री तो निकालोगे। अगर मैथ्स से रीजनिंग आपका अच्छा है तब तो सियोर है प्री भी निकालोगे और मेंस भी निकालोगे। अब इस क्वेश्चन को कराने का मतलब ये है कि अगर आपको दरोगा बनना है बिहार में, ठीक है, अगर आप चाहते हो कि बिहार दरोगा में फाइनली एक बार में सिलेक्शन ले लूं, तो मैं हमेशा चिल्ला के और लाउडली कहा करता था कि आप मैथ्स एंड रीजनिंग पे कमांड कीजिए। कोचिंग में आप क्या पढ़ते हो? अभी आप मेनली फोकस कर रहे हो, आपको फोकस यही कराया जा रहा होगा कि आप क्या करो, जीएस करो। बट नहीं, अगर आपको फाइनल सिलेक्शन लेना है तो अभी से आपको वेल प्रिपरेशन करना पड़ेगा मैथ्स एंड रीजनिंग का, क्योंकि जो एसएससी से उठ के आ रहे हैं, जो दरोगा दे रहे हैं, उनका मैथ्स एंड रीजनिंग बहुत ही अच्छा है। ठीक है, बट अगर आपको टाइमर के साथ, मैं लिख के दे रहा हूं अभी जो एग्जाम हुआ है, ठीक है, मुझे ज्यादा टाइम आप ना दे, ठीक है, 5 मिनट है, 5 से 7 मिनट दे, ये बहुत ही फ्रूटफुल होगा आपके लिए। ठीक है, अभी जो रिसेंटली 64 पोस्ट के लिए हुआ, तो उसमें 30 क्वेश्चन मैं काउंट करके बता रहा हूँ, 30 क्वेश्चन आए थे मैथ्स एंड रीजनिंग के। हमने आपको पढ़ाया था, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं गया होगा। और हमने आपको क्या कहा था, बार बार ये कहा था कि मैथ्स एंड रीजनिंग पे आप कमांड कर लीजिए, आपका फाइनल मेरिट जो होगा यही बनाएगा। तो यहां जो भी बोलूं वो आपके लिए होता है, हम यहां आपके लिए खड़े हैं। ठीक है, ये हमेशा याद रखिएगा। अब इस क्वेश्चन को आप जल्दी से हम सॉल्व करते हैं, आपको बताते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है, उसके बाद हम बताते हैं। देखिए, ये जो क्वेश्चन है, ठीक है, इसको आप कैसे सॉल्व करो विद इन ए सेकेंड। ठीक है, क्योंकि 30 क्वेश्चन अगर आपको दे दिया जाए, ठीक है, 30 क्वेश्चन अगर आपको टाइमर के साथ दिया जाएगा तो जितना भी इजी क्वेश्चन हो आपको टाइम लगेगा और बेसिक टू मॉडरेट आपके क्वेश्चन रहेंगे। देखिए, इसको करना होता है जैसे हमने 7/11 लिखा, ठीक है, उसके बाद हमने लिखा 3/4 लिखा, ठीक है, उसके बाद 5/7 लिखा और उसके बाद 4/5 लिखा। हमने आपको क्या बताया, इन दोनों का डिफरेंस लेना है और ऊपर वाले के साथ लिख देना है, 7/4 हो जाएगा ये। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 3 और 4 में कितना डिफरेंस है, 1 का 3/1 हो जाएगा ये। ठीक है, 5/7 ये कितना हो जाएगा, 5/2 हो जाएगा ये। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका 4/5 है तो ये आपका 4 हो जाएगा। अब देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है आपको ढूंढना है। अगर आपको बोलता कि सबसे बड़ा कौन है तो आपको डायरेक्टली दिख रहा है कि ये जो है आपका सबसे बड़ा है, दैट मीन्स 4/5 वाला जो है ये सबसे बड़ा है। अब सबसे छोटा ढूंढना है। देखिए, 7/4 मतलब क्या होता है, 1 point। देखिए, 7 है यहाँ, 4 है तो एक बार तो चला गया, बचा कितना, यहाँ 3 बचा, 1/4 कितना होता है, 1/4 कितना होता है, 0.25, उसका 3 गुना कर दीजिए तो क्या हो जाएगा, 1.75 हो जाएगा, ये 3 आ जाएगा
और ये आ जाएगा आपका 2.5 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, ठीक है। इसमें सबसे छोटा कौन सा है, तो सबसे छोटा जो है ये है आपका 7/11। सबसे बड़ा अगर पूछता कौन है तो ये। मेरा कहने का मतलब ये है कि जब आप मैथ्स एंड रीजनिंग स्टार्ट करोगे तो आपको ये कराने का मतलब बस यही है कि आपको बेसिक पहले समझना है, बट आपको एडवांस तक लेके जाना है। एडवांस मतलब ये नहीं कि एडवांस मैथ्स, आपको समझ में आना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को 30 से 40 सेकेंड में कैसे किया जाए। अगर आपको कोई अभी बोल रहा है कि हो जाएगा, तो ये कभी नहीं होगा। आपको प्रिपेरेशन अच्छे से करना पड़ेगा, वेल प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए। अब दो तीन बातें, आप ये सोचोगे कि सर 30 क्वेश्चंस अगर आते हैं, ठीक है, तो क्या सब डिफिकल्ट क्वेश्चंस आएंगे? नहीं, इजी टू मॉडरेट क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है, या एक दो डिफिकल्ट हो सकता है, ठीक है। बट याद रखिएगा, ये 30 के 30 क्वेश्चंस अगर आपको टाइमर के साथ दे दिया जाए और अगर आपने प्रैक्टिस नहीं किया है, आपसे नहीं बनेगा। बट जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है, वो सियोर है, मतलब वो 2 स्टार उनका लग गया, आप समझ लो, ठीक है, जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा है। तो अगर आप कहीं भी पढ़ते हो, चाहे आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो, ठीक है, अगर आपका मैथ्स एंड रीजनिंग स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो ऐसे आप उनको बोलिए कि आपको मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए भी स्पेशल टीचर रखा जाए। क्योंकि अगर आपको मैथ्स एंड रीजनिंग आता है, ठीक है, अगर आता है तब तो आपको सिर्फ प्रैक्टिस की जरूरत है। बट अगर आपको मैथ्स एंड रीजनिंग नहीं आता है, तो आपको बेसिक से लेके एक अच्छे लेवल तक आपको जाना चाहिए। जैसे हमने अभी आपको करवाया है, इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना आना ही चाहिए। तो सबसे पहले आपको ये सोचना है, ठीक है, 30 क्वेश्चंस आता है तो मुझे इतना सफिशियंट होना है कि टाइमर के साथ मैं कम से कम समय में कर पाऊं। तो अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर मुझे ये कैसे पता चलेगा कि आखिर पढ़ना किस लेवल तक है, क्योंकि मैथ्स का कोई लेवल नहीं। आप एसएससी के मेंस लेवल तक पढ़ोगे, कैट तक, मतलब बहुत है, कहां तक आपको पढ़ना है। तो वो कैसे पता चलेगा? आपको पेपर एनालिसिस करके। क्या करके? पेपर एनालिसिस। आप किसका पेपर एनालिसिस? दरोगा का, मेंस का करोगे, एक्साइज का करोगे, इन्फोर्समेंट एसआई का करोगे। सबसे पहले इन सबका मेंस का पेपर एनालिसिस करोगे, उसके बाद प्री में जो क्वेश्चंस आए हैं वो भी करोगे, उसके बाद बीएसएससी के जितने पेपर हुए उसका करोगे, रिसेंटली जितना हुआ है, उसके बाद बीपीएससी का पेपर का करोगे, और बिहार पुलिस का जो लेटेस्ट हुआ है अभी, 3 पेपर जो हुआ है, अब जो होने लगे, पहले वाले पेपर नहीं करने, अभी जो 2021-22 से जो अब जो हो रहा है उसके पेपर, इन सबको पेपर एनालिसिस करने के बाद आपको प्रॉपर आइडिया हो जाएगा, स्पेशली दरोगा के करने के बाद, कि आखिर किस लेवल तक क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। सबसे बेसिक से स्टार्ट करना और एकदम एडवांस लेवल पे जाना है कि हाँ किसी भी क्वेश्चंस को कम समय में कैसे किया जाए। फिर से मैं वही बोलता हूँ, एज ए स्टूडेंट आप मुझे मान लो, अगर आप एग्जाम में बैठते हो, ठीक है, आपको इजी क्वेश्चंस भी अगर अंडर प्रेशर दिया जाता है तो गलत हो ही जाएगा। एक टीचर के हिसाब से मैं नहीं बता रहा हूँ, एज ए स्टूडेंट के हिसाब से बता रहा हूँ, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो आप टाइमर के साथ क्वेश्चंस बनाना शुरू करो और कम समय में हर एक क्वेश्चंस को ट्राई करना है कि मैं कम समय में कैसे करूँ, ये चीज आपको डेवलप करना है, ठीक है। क्या मैंने बोला? कम समय में कैसे करूं, एक क्वेश्चन को 30 से 40 सेकंड में कैसे करूं, ठीक है। वो कब होगा? एक्स से स्टार्ट करोगे, बेसिक से, और एडवांस तक जाओगे। अगेन, कोचिंग किसको नहीं लेना है? जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा, उनको तो प्रैक्टिस से हो जाएगा, बट जिनका मैथ्स एंड रीजनिंग अच्छा नहीं है, प्लीज आप कहीं भी पढ़ते हो वहां जाके उनको बोलिए कि सर मैथ्स एंड रीजनिंग के लिए भी आपको वो हेल्प करे। सो ये था मैथ्स एंड रीजनिंग का, बाकी हम वीडियो लाते रहेंगे, ठीक है, और मैथ्स एंड रीजनिंग के जो क्वेश्चंस किस तरीके से सॉल्व करना है वो भी हम बताते रहेंगे। बाकी आप पढ़ते रहिए, ठीक है, ये चैनल आपके लिए है, क्लासेस आते रहेंगे, बेहतरीन बेहतरीन वीडियोस आपके लिए हम यहाँ लाते रहेंगे, आप अपना सपोर्ट जरूर देते रहिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।